दोस्तों, अगर आप समांथा रोथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रोथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, सपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, यह मूवी को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था और दोस्तों यह मूवी आपको पेन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसे महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों, काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दिया गया था। अब दोस्तों, फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी
सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों समांथा रोथ प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको देख दोस्तों अगर आप समांथा रोथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रोथ प्रभु, वारा लक्ष्मी शरद कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, सपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों यह मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था और दोस्तों यह मूवी आपको पैन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, फिल्म यशोदा दो ऐसे महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा।
यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों, काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था। अब दोस्तों, फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, समांथा रूथ प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों, उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको देखनी दोस्तों, अगर आप समांथा रूथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो समांथा रूथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, संपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, यह मूवी को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था और दोस्तों, यह मूवी आपको पेन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसे महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा
हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों, काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था। अब दोस्तों, फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, समांथा रूथ प्रभु ने अपनी करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों, उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको देखनी। दोस्तों, अगर आप समांथा रूथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो समांथा रूथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, सपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, यह मूवी को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था और दोस्तों, यह मूवी आपको पेन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को
हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों, काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था। अब दोस्तों, फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, समांथा रूथ प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों, उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको देखनी। दोस्तों, अगर आप समांथा रूथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रूथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, संपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, यह मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था और दोस्तों, यह मूवी आपको पैन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं।
सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों, काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था। अब दोस्तों, फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, समांथा रूत प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों, उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको देखनी। दोस्तों, अगर आप समांथा रूत प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रूत प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, संपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, यह मूवी को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था और दोस्तों यह मूवी आपको पेन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी।
यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दिया गया था। अब दोस्तों फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों समांथा रूथ प्रभु ने अपनी करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको देखनी। दोस्तों अगर आप समांथा रूथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो समांथा रूथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, संपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं।
इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों यह मूवी को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था और दोस्तों यह मूवी आपको पेन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था। अब दोस्तों फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों समांथा रूथ प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको देखनी। दोस्तों अगर आप समांथा रूथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में।
तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो समांथा रोथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, संपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों यह मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था, और दोस्तों यह मूवी आपको पैन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसे महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे, और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दिया गया था। अब दोस्तों फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों समांथा रोथ प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है
तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको देखने दोस्तों, अगर आप समांथा रोथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रोथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, सपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों यह मूवी को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था और दोस्तों यह मूवी आपको पेन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था। अब दोस्तों फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है,
तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों समांथा रूथ प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है और दोस्तों उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको देख दोस्तों अगर आप समांथा रूथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रूथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, सपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों यह मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था और दोस्तों यह मूवी आपको पैन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, फिल्म यशोदा दो ऐसे महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी
सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों, काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दिया गया था। अब दोस्तों, फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, समांथा रूथ प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों, उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको देखनी दोस्तों, अगर आप समांथा रूथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो समांथा रूथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, संपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, यह मूवी को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था और दोस्तों, यह मूवी आपको पेन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसे महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है।
और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों, काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था। अब दोस्तों, फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा, यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, समांथा रूथ प्रभु ने अपनी करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है और दोस्तों, उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको देखनी। दोस्तों, अगर आप समांथा रूथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रूथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, सपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, यह मूवी को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था और दोस्तों, यह मूवी आपको पेन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है।
दूसरी तरफ यशोदा है। इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों, काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था। अब दोस्तों, फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, समांथा रूथ प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों, उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको देखनी। दोस्तों, अगर आप समांथा रूथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रूथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, संपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, यह मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था और दोस्तों, यह मूवी आपको पैन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं,
फिल्म यशोदा दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों, काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था। अब दोस्तों, फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, समांथा रूत प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों, उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको देखनी। दोस्तों, अगर आप समांथा रूत प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रूत प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, संपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, यह मूवी को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था
और दोस्तों यह मूवी आपको पैन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दिया गया था। अब दोस्तों फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों समांथा रूथ प्रभु ने अपनी करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको देखनी। दोस्तों अगर आप समांथा रूथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो समांथा रूथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा,
संपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों यह मूवी को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था और दोस्तों यह मूवी आपको पेन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसे महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था। अब दोस्तों फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों समांथा रूथ प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको देखनी। दोस्तों अगर आप समांथा रूथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है,
जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो समांथा रोथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, संपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों यह मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था, और दोस्तों यह मूवी आपको पैन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसे महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे, और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दिया गया था। अब दोस्तों फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों समांथा रोथ प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है।
अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको देखनी दोस्तों, अगर आप समांथा रोथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रोथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, सपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों यह मूवी को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था और दोस्तों यह मूवी आपको पेन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था।
अब दोस्तों फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों समांथा रूथ प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है और दोस्तों उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको देख दोस्तों अगर आप समांथा रूथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रूथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, सपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों यह मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था और दोस्तों यह मूवी आपको पैन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, फिल्म यशोदा दो ऐसे महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने अमेज़न प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था। अब दोस्तों फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों समांथा रोथ प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है और दोस्तों उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको देखनी। दोस्तों अगर आप समांथा रोथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रोथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, संपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों यह मूवी को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था और दोस्तों यह मूवी आपको पेन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसे महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है।
खिड़कियों से दिखती हरियाली रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों, काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था। अब दोस्तों, फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, समांथा रूथ प्रभु ने अपनी करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों, उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको देखनी। दोस्तों, अगर आप समांथा रूथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रूथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, सपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, यह मूवी को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया गया था और दोस्तों, यह मूवी आपको पेन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से
इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों, काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था। अब दोस्तों, फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, समांथा रूथ प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों, उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको देखनी। दोस्तों, अगर आप समांथा रूथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रूथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, संपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, यह मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था और दोस्तों, यह मूवी आपको पैन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था। अब दोस्तों फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों समांथा रोत प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको देखनी। दोस्तों अगर आप समांथा रोत प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रोत प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, संपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ
अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों यह मूवी को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था और दोस्तों यह मूवी आपको पेन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसे महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दिया गया था। अब दोस्तों फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों समांथा रूथ प्रभु ने अपनी करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको देखनी। दोस्तों अगर आप समांथा रूथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने।
बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रोथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, संपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों यह मूवी को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था और दोस्तों यह मूवी आपको पेन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसी महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था। अब दोस्तों फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों समांथा रोथ प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है और दोस्तों उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको देखनी। दोस्तों अगर आप समांथा रोथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रोथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, संपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों यह मूवी को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था और दोस्तों यह मूवी आपको पैन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसे महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दिया गया था। अब दोस्तों फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों समांथा रोथ प्रभु ने अपने करियर में
तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको देखनी दोस्तों, अगर आप समांथा रोथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यशोदा मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई तेलुगु भाषा की फैंटेसी मिस्ट्री मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हरीश नारायण ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो समांथा रोथ प्रभु, वारालक्ष्मी शरत कुमार, उन्नी मुकुंदन, दिव्या श्रीपड़ा, संपत राज, मुरली शर्मा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.7 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों यह मूवी को पेन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था और दोस्तों यह मूवी आपको पेन इंडिया स्केल पर देखने को मिली थी। यह मूवी आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषा में एक साथ देखने को मिली थी। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिल्म यशोदा दो ऐसे महिलाओं की कहानी है जिनके लिए स्त्री सशक्तिकरण के मायने दो अलग अलग विचारधाराओं से निकलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता में अतिथि बनकर आए मंत्री के सामने देवी देवताओं के चित्रों के सिर्फ सुंदर ही होने के तर्क के हिसाब से सौंदर्य प्रतियोगिताओं और सौंदर्य उत्पादों की तरफ पलड़ा झुकाने वाली मेडिकल की एक छात्रा अपने पिता से भी 5 साल बड़े उसी मंत्री से इसलिए शादी करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसके पास अथाह संपत्ति है। दूसरी तरफ यशोदा है, इस नाम को हर कदम पर जीने की कोशिश करती दिखने वाली गरीब परिवार की एक युवती। बताया जाता है कि वह अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए अपनी कोख किराए पर देने को तैयार है। जिस कृत्रिम गर्भधान केंद्र में वह है, वह देखने में किसी फाइव स्टार होटल जैसा लगता है। खिड़कियों से दिखती हरियाली, रेलिंग पर बैठा कबूतर सब मनभावन है। और फिर यशोदा कबूतर पकड़ने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक छलावा है। बात की तह तक जाने की कोशिश में यशोदा हर उस छलावे का खुलासा करती है जिसे दुनिया को धोखे में रखने के लिए रचा गया है। दोस्तों यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो आप इस प्रकार इस मूवी को देख लीजिएगा, यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है।
दोस्तों यशोदा मूवी ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले थे और यशोदा मूवी एक अच्छी मूवी साबित रही थी। और दोस्तों काफ़ी जल्दी इस मूवी को डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ कर दिया गया था। अब दोस्तों फाइनली यह मूवी रिलीज हो चुकी है, तो आप भी इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। यह मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों समांथा रूथ प्रभु ने अपने करियर में तेलुगु ऑडियंस हो या फिर हिंदी ऑडियंस हो, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में अपने ऑडियंस के नाम करी है। और दोस्तों उनकी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट मूवीज साबित रही है। अगर आपको यह मूवी देखनी है तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको देख